हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपने जिस पर्सन से सच्चे दिल से प्यार करा है, क्या उस इंसान को कभी आपके सच्चे प्यार की कदर समझ में आएगी या नहीं आएगी? क्या वो पर्सन आपके सच्चे प्यार को कभी समझेंगे भी या नहीं समझेंगे? समझेंगे तो कब समझेंगे या किस तरह से समझेंगे? ये जो ढेर सारे सवाल आपके मन में चलते रहते हैं, इन्हीं सभी सवालों को आज हम टैरो से देखने की कोशिश कर रहे हैं। आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा कि रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है, ठीक है। उसके अलग अगर गाइस आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको रीडिंग पसंद आती है, कनेक्ट कर पाते हैं आप अपने आप को इस रीडिंग से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके पास अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। और जो लोग मेरे साथ चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड देना नहीं भूलिएगा उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है। तो देखने जा रहे हैं क्या इस पर्सन को कभी आपके सच्चे प्यार की कदर होगी या नहीं, क्या वो आपके सच्चे प्यार को कभी समझेंगे भी या नहीं समझेंगे। ये जो सवाल आपके मन में चलते हैं वही देख रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर आई है मैनिफेस्ट। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्केंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। बताइए कि व्यूअर्स के पर्सन कभी व्यूअर्स के सच्चे प्यार को समझेंगे या नहीं। एक्सट्रीम पीस गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। फियर गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। हंगर, क्या व्यूअर्स के पर्सन कभी व्यूअर्स के सच्चे प्यार को समझेंगे भी या नहीं। रिलीज एंड ओवरऑल एनर्जी है बिगनिंग, ठीक है। ओके, आई होप आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। तो सबसे पहले जो मेजरली यहाँ पर एनर्जीज आई हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज दिख रही है। उसके अलग ये भी आपकी जेमिनी की है, ठीक है। अभी टैरो से और कार्ड्स निकाले जाएंगे तो देखी जाएगी कि और कौन कौन सी एनर्जीज़ हैं। यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए नंबर 7 यानी कि आपका हो गया जुलाई मंथ, जो आपसे किसी ना किसी तरह से इस पर्सन के माध्यम से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली आपसे जुड़ा हुआ हो इसकी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, ठीक है। तो सवाल पर आते हैं सबसे पहले कि क्या ये पर्सन कभी आपके सच्चे प्यार को समझेंगे या नहीं समझेंगे। देखिए यहाँ पर ये चीज़ें तो पूरी तरह से क्लियर हो रही हैं इन कार्ड्स के बेसिस पर कि इन्हें आपके सच्चे प्यार की कदर तो समझ में आ गई है। यानी कि ये पर्सन जितने भी अभी बातों को घुमा फिराकर आपके सामने प्रेजेंट क्यों ना कर रहे हों, यानी कि कितनी भी मैन्युपुलेटिव बातें आपके सामने क्यों ना प्रेजेंट कर रहे हों, लेकिन अंदर खाने इन्हें सब चीज़ों का एहसास है। अंदर खाने इन्हें समझ में आता है कि आपने इन्हें किस लेवल तक प्यार करा था, कितना प्यार करा था और आपका प्यार इनके लिए कितना सच्चा था। यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि आपका प्यार जैसे जैसे इन्हें समझ में आ रहा है, उस सच्चे प्यार की उसकी प्योरिटी इन्हें समझ में आ रही है, वैसे ही इस पर्सन के मन में एक डर भी पैदा हो रहा है, एक ऐसा डर जो एक्सट्रीम लेवल तक पहुँच रहा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिख रही हैं कि आपके प्यार के मामले में इन्हें ऐसा फील होता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में से जो प्योरिटी थी, जो एक होता है ना कि इंसान
कि एक प्योर सोल के साथ अगर आप हो तो आप भी कहीं ना कहीं अपने आप को काफ़ी ज़्यादा शांत, काफ़ी ज़्यादा काम फील करते हो। लेकिन जैसे ही इन्होंने आपको अपनी लाइफ से दूर करा, इनकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ डर या डार्कनेस ही आई है, और वो भी एक्सट्रीम लेवल तक आई है, तो वो चीज़ें इन्हें फील होती हैं। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है, इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन मोस्ट ऑफ द टाइम आइसोलेट एनर्जीज़ में रहते हैं, यानी कि दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, उन चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। क्योंकि जब जब ये पर्सन एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, अपना दुख बयान करने की कोशिश करते हैं, तो जो थोड़ी बहुत मन में शांति भी रहती है ना, वो इनकी उसमें हलचल होने लगती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि जब गंदा पानी होता है, अगर उस गंदे पानी में आप पत्थर फेंकोगे तो वो गंदगी ऊपर आ जाएगी। तो सेम कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ हो रहा है कि जब जब ये पर्सन सोचते हैं, जैसे वैसे तो ये शांत रहने की कोशिश करते हैं, आइसोलेट रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब जब इन्हें याद आती है तो इन्हें अपनी डार्कनेस दिखाई देती है, वो भी एक्सट्रीम लेवल पर। इन्हें ये चीज़ें दिखाई देती हैं कि इन्होंने इस रिश्ते को, इस पानी को कितना गंदा कर दिया, इस कदर इन्होंने गंदा कर दिया कि वहाँ पर अब इनके पास कुछ भी नहीं बचा है। उस चीज़ की सच्चाई इनके सामने आती है, और इसीलिए ये पर्सन मोस्ट ऑफ़ द टाइम कोशिश करते हैं कि ये चुप रहें, शांत रहें, अपनी एनर्जीज़ को अपने अंदर तक समेट कर रखें। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो चुप भी है ना, जैसे इन्हें आपके प्यार की, सच्चे प्यार की एहसास भी हो रहा है और फिर भी ये चुप है, उसकी वजह है इनका डर, विद दिस फियर कार्ड। क्योंकि इन्हें ये समझ में आ रहा है कि अब इस पानी में, इस रिलेशनशिप में अगर कोई हलचल होगी तो वहाँ पर सबसे पहले ये दिखाई देगा कि इस पर्सन ने इस रिश्ते में अपना कितना ज़्यादा घमंड दिखाया, इस पर्सन ने इस रिश्ते को कितना गंदा कर दिया, इस पर्सन ने इस रिश्ते में कितनी ज़्यादा कड़वाहट को लाकर रख दिया। इसी रीज़न की वजह से, इसी डर की वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं शांत बैठे हुए हैं, ये दिख रहा है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है साथ में कि इस पर्सन को आपके प्यार की, सच्चे प्यार की एहसास इस कदर हो गया है कि अब इन्हें आप ही के उसी सच्चे प्यार की भूख भी होती है, एज इन कि एक ऐसे इंसान की इन्हें ज़रूरत है इस वक्त में, जो इनके दिल को हील कर सके, इनके इन्हें नर्चर कर सके, या ये जो भी दर्द में है, डर में है, या मन में जो भी शांति नहीं है लेकिन शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें इसे, इस पर्सन को उस डर से रिलीज़ कर सके, और वो हो आप, वो प्योर सोल हो आप, तो उस चीज़ का एहसास, उस चीज़ की सच्चाई डेफिनेटली इस पर्सन को हो गई है। तो सवाल तो यहाँ पर ये था कि क्या कभी इस पर्सन को आपके सच्चे प्यार की कदर समझ में आएगी, या आपके सच्चे प्यार को समझेंगे। तो भाई देखो, इन्हें आपका सच्चा प्यार दिख तो गया है, उसे इन्होंने ढूंढ लिया है, और कहीं ना कहीं ये भी समझ में आ रहा है कि यही सच्चा प्यार इन्हें इनके डर से रिलीज़ करेगा, मुक्त करेगा। लेकिन फिर भी इन्हें साथ में ये भी डर है मन में कि कहीं ना कहीं वहाँ पर इनकी सारी कमियाँ बाहर निकल कर आएंगी, और फिर उसके बाद जो ये शांत बैठकर उस पानी को ये दिखा रहे हैं लोगों के सामने कि ये कितने शुद्ध हैं, इनसे कोई गलती नहीं हुई है, ये बिल्कुल प्योर हैं, वो बाहर निकल कर आएगा। तो वो डर है इनके मन में, जिस रीज़न की वजह से ये खुलकर आपके सामने आ नहीं रहे हैं। डार्केस्ट फियर और फियर, यानी कि इनका डार्क साइड यहाँ पर दिख जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, क्योंकि इन्हें चाहिए इस डर से मुक्त होना, लेकिन डर से ये जीत नहीं पा रहे हैं, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो और देख लेते हैं कि चलो, ये तो समझ में आया कि इन्हें आपके सच्चे प्यार की अहमियत समझ में आ गई है, और अब ये देख लेते हैं टैरो से कि अगर समझ में आ गई है तो क्या ये इस डर से जीतेंगे, डर से जीत कर क्या ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, खुद से ट्राई करेंगे या नहीं करेंगे, ये चीज़ें भी देखते हैं, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए डार्केस्ट फियर्स एंड एक्सट्रीम को क्लैरिफाई कीजिए, और बताइए कि अब व्यूअर्स के पर्सन इस एनर्जी से कभी बाहर निकलेंगे या नहीं, जो अभी एक्सट्रीम लेवल पे है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए।
तो यहाँ पे है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड द सेवन ऑफ वॉन्ड्स. तो ये एनर्जीज है एरीज लियो एंड सैजिटेरियस मेष सिंह एंड धनु राशि एंड टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या एंड मकर राशि. जी हाँ, यहाँ पर इस सवाल का जवाब आता है यस में कि जी हाँ, आपके पर्सन अपने डर पे डेफिनेटली जीत हासिल करेंगे, इनमें इन्हें सक्सेस ज़रूर मिलेगी. लेकिन साथ में यहाँ पर यह भी पता चलता है कि इस चीज़ के लिए इस पर्सन को वक्त लगेगा, इस चीज़ के लिए इस पर्सन को थोड़े से एफर्ट करने होंगे, थोड़ी सी इन्हें कहीं ना कहीं गाइडेंस लेनी होगी, काउंसलिंग भी लेनी पड़ सकती है इन्हें इस चीज़ को लेकर, ताकि ये अपने डर पर जीत हासिल कर सकें. जो भी इन्होंने प्रॉब्लम्स को अपने दिल से समेट कर रख रखा है और डर रहे हैं, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हैं, बस ये सोच कर बैठे हैं कि अकेले हैं, जो कि दिन पर दिन एक्सट्रीम लेवल पे हो रहा है, उसमें डेफिनेटली सक्सेस तो मिलेगी लेकिन वक्त ज़रूर लगेगा, यहाँ पर ये चीज़ें बताई जा रही हैं. ठीक है, तो ये चीज़ें पता चली कि ये जो भी डर की वजह से बैठे हैं, वो डर इनका डेफिनेटली ख़त्म तो होगा लेकिन वक्त लगेगा. सैडनेस एंड आइसोलेशन एंड पीस के मामले में गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स क्या एनर्जीज रहेगी इस पर्सन की, क्या इन्हें शांति मिलेगी, क्या ये इस आइसोलेट एनर्जी से कभी निकलेंगे बाहर या नहीं, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स. यहाँ पे है टेम्परेंस एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स. तो यहाँ पर आई है एनर्जी जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस मिथुन तुला एंड कुंभ राशि एंड सैजिटेरियस की एनर्जीज है. तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ें बताई जा रही है कि अभी ये पर्सन कहीं ना कहीं जो भी इन्होंने इस रिश्ते में नेगेटिविटी को फैलाया है, उसे कहीं ना कहीं अपने आप से बांध कर रखे हुए हैं, और इसी रीज़न की वजह से ये परेशान भी हैं और इन्होंने अपने आप को आइसोलेट भी कर रखा है. यानी कि ये पर्सन अभी पूरी तरह से हील नहीं हुए हैं, जो भी इनके मन में डर है उससे पूरी तरह से बाहर नहीं निकले हैं, जो इन्हें ज़रूरत है. और ये चीज़ें हालांकि इनकी हेल्थ पर भी असर डाल रही है, ये भी यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है. लेकिन यहाँ पर ये भी पता चल रहा है इन दोनों ही एनर्जीज़ के थ्रू कि जी हाँ, ये पर्सन डेफिनेटली हील भी होंगे और इस सैडनेस से, इस आइसोलेट एनर्जी से, इस नेगेटिविटी से बाहर भी निकलेंगे. क्योंकि प्यार की कदर तो अभी करंट में समझ में आ रही है ना, इससे बाहर निकलने में जो वक्त है, यानी कि एहसास होने से लेकर और बाहर निकलने के बीच का ही सफ़र आपके पर्सन के लिए थोड़ा टफ पड़ रहा है. यहाँ पर इन्होंने अपने आप को ज़्यादा हलचल में रख रखा है, लेकिन जैसे ही ये हलचल इनकी शांत होगी, वैसे ही ये पर्सन यहाँ से बाहर निकलेंगे. जब जब ये इस हलचल को हिलाकर देखते हैं, यानी कि जब जब ये कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर डेफिनेटली इन्हें दिखाई देता है अपना वो डर, अपनी वो गंदगी जो इन्होंने इस रिश्ते में फैलाई है, जो इन्होंने इस रिश्ते में कर दी है. इस डर की वजह से ये इस पानी को हिलाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, ज़्यादातर ये दिख रहा है मुझे. मतलब हिलाते हैं तो इन्हें अपनी ही गलतियां दिखती हैं, फिर शांत होकर बैठ जाते हैं. लेकिन यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि जब ये पर्सन इस डर से जीत जाएंगे कि हाँ, उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेंगे कि ठीक है, गलती मेरी है, लेकिन अब मुझे उस गलती को सुधारना भी है, तब आप लोगों के रिश्ते में यहाँ पर मूवमेंट ऑटोमेटिकली होने लगेगा. ये चीज़ें हैं. ठीक है, क्राउन चक्र एंड फियर को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए क्या व्यूअर्स के पर्सन अपने इस ईगो से जीत पाएंगे या नहीं. यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए क्या ये अपने इस ईगो से जीत पाएंगे या नहीं. नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंग्ड मैन. तो ये है आपकी टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या एंड मकर राशि एंड पाइसिस की एनर्जी है. देखिए इस चीज़ में अगेन यहाँ पर ये पता चलता है कि आपके पर्सन जब तक अपने ईगो को सरेंडर नहीं कर देते हैं, यानी कि जब तक ये सोच नहीं रखते हैं कि ईगो में कुछ नहीं रखा, या जो भी अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, जब तक इस चीज़ को पूरी तरह से सरेंडर नहीं करेंगे, तब तक ये अपने उसी ईगो को बचाने के लिए लड़ते रहेंगे आपके अगेंस्ट, यानी कि ये लड़ते रहेंगे अपने डर से. यहाँ पर ये चीज़ें पता चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि इस चीज़ में सफलता ज़रूर मिलेगी. ऐसा नहीं है कि इस चीज़ में इस पर्सन को सफलता नहीं मिलेगी. जब ये चीज़ों को एहसास करने लगेंगे, रियलाइज़ करने लगेंगे, यानी कि सॉल्यूशन जब इन्हें मिलेगा, तभी ये अपने उस घमंड को सरेंडर करेंगे और तभी इन्हें इस जीत पर, इस डर पर इन्हें तभी जीत हासिल होगी. ये भी है यहाँ पर. हार्ट चक्र एंड हंगर के मामले में क्या होगा. यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए इस हार्ट चक्र और हंगर के मामले में क्या होने वाला है.
थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए यहाँ पर क्या एनर्जीज है, आपके पर्सन इस वक्त में भी अकेले हैं और जब इन्हें इस चीज़ का एक्सट्रीम लेवल पर रियलाइज होगा कि अब इनकी ज़िंदगी में कोई और नहीं आने वाला, जब इस पर्सन को इस चीज़ का एहसास होगा कि इनके पास प्यार की कमी है, कोई ऐसे इंसान की कमी है जो इन्हें हील कर सके, और ये चीज़ें भी इन्हें इंट्यूटिवली जब फील होंगी तब डेफिनेटली ये पर्सन अपने लिए एक फैसला लेंगे, अपने लिए अपने आप को हील करने के लिए, अपने दिल को हील करने के लिए ये पर्सन कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे। तो वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। तो यहाँ पर बेसिकली ये दिखाई दे रहा है कि अभी तो आपके पर्सन करंट में एक आइसोलेट एनर्जी में है जिसमें चीज़ों को समझना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वक्त के साथ चीज़ें सही होंगी आपसे अल्टीमेटली ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो समय भी देखना बनता है कि आखिर इन सब चीज़ों में इन्हें कितना वक्त लगेगा। पहले इस चीज़ को देख लेते हैं। सीक द ट्रुथ एंड रिलीज़ के मामले में बताइए कब तक ये सच्चाई सामने आएगी और कब ये इस चीज़ से रिलीज़ कर पाएंगे अपने आप को। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए किस तरह से ये चीज़ें होंगी, गाइड कीजिए। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स, देखिए बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया है टू ऑफ वॉन्ड्स। फैसला यहाँ पर ज़रूर होगा, जो अभी आपके पर्सन क्रॉस रोड पर हैं, जो डर से जीत नहीं पा रहे हैं, लड़ नहीं पा रहे हैं, सॉल्यूशंस ढूंढ नहीं पा रहे हैं, वो सॉल्यूशन यहाँ पर डेफिनेटली होगा। सच्चाई इनके सामने डेफिनेटली आएगी कि अगर ये अपने उसी पास्ट के पर्सन के पास जाते हैं वापस से इस रिश्ते में कुछ लेने, तो डेफिनेटली इन्हें वहाँ पर सक्सेस मिलेगी, वहाँ पर इन्हें जो भी ये सच्चाई जानना चाहते हैं वो ज़रूर मिलेगी और वहाँ से ये अपने आप को रिलीज कर पाएंगे जो भी बोझ भार है इनके सीने पर। और काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आप इनके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हैं, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आप ही के पास आते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी इन्हें इस सच्चाई से वाकिफ कराएगा या कराएगी, जो भी इन्हें इनके डर से रिलीज़ कराएगा या कराएगी, वो हो आप, यहाँ पर ये है। और ये पर्सन उसके लिए आपके पास डेफिनेटली आएंगे बैलेंस लेने के लिए, आपसे आपकी मदद लेने के लिए यहाँ पर डेफिनेटली ये पर्सन आएंगे, ये यहाँ पर पूरी तरह से श्योर है। सवाल आता है कि कब तक आने की पॉसिबिलिटी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स दोनों ही सिक्स नंबर को डिनोट करते हैं, यानी कि पॉसिबिलिटी है जब भी सामने आपके ये रीडिंग आए उसके छः हफ्ते बाद ये पर्सन आपके पास मदद के लिए आए, अपने आप को इस दर्द से, इस डर से रिलीज़ करने के लिए आपसे आपकी मदद मांगे, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद डिसीज़न आपके पलड़े में होगा कि अब आपको इनके साथ नई शुरुआत करनी है या नहीं करनी है, या आपको इन्हें ही सुधारना है, वो पूरी तरह से आप पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये आएंगे तो आपके पास छः हफ्तों बाद जब भी रीडिंग आती है, लेकिन उस चीज़ में ऐसा नहीं है कि तुरंत चुटकी बजाई और चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, उससे लेकर छः महीने के अंतराल में आप लोगों के बीच में कन्वर्सेशन होगा और चीज़ें फिर पहले जैसे बेहतर होंगी, ये भी बताया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, रिजॉल्व हो जाएंगी, लेकिन इन्हें आपके प्यार की वैल्यू तो समझ में आ गई है, समझ रहे हैं सच्चे प्यार को, और उसे ही सुधारने के लिए आपसे आपकी मदद के लिए आएंगे, इस चीज़ की यहाँ पर श्योरिटी बताई जा रही है। आपकी तरफ बढ़ने का डिसीजन लेंगे। आप यहाँ पर देखिएगा कितने सिक्स की एनर्जीज आई है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स, अगेन सिक्स। तो सिक्स नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छः हफ्ते या जून मंथ हो सकता है आपसे किसी तरह से रिलेट करता हो, या जब भी रीडिंग आए उस हिसाब से आपको देखना है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं ये पर्सन किस तरह से आपसे बात कर सकते हैं, इनके मैसेजेस देखेंगे। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्केंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए क्या मैसेज हैं व्यूअर्स के पर्सन के जो ये कहना चाहते हैं व्यूअर्स से, गाइड कीजिए। Sometimes I wish I never met you. तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि काश मैं तुमसे मिला ही नहीं होता या होती, और उसकी वजह ये है क्योंकि इन्हें आपके प्यार की जैसे जैसे कदर समझ में आ रही है सच्चे प्यार की, वैसे वैसे इन्हें अपना डार्क साइड दिख रहा है, जो मैंने आपको रीडिंग में भी बताया, और वही डार्क साइड इन्हें ये कहने के लिए आपसे मजबूर कर रहा है कि काश ये आपसे मिले ही नहीं होते, क्योंकि ये अपने आप को
जान रहे हैं कि ये इस वक्त में बहुत बुरे इंसान बने हुए हैं. आई वॉन्ट टू हेयर नेक्स्ट टू मी, तो ये चाहते हैं आपके करीब आना या आपके साथ में रहना. तो ये जैसे एक बेटर हाफ की तरह ये आपके करीब रहना चाहते हैं, ये आपसे ये कहना चाहते हैं. यू आर टू गुड फॉर मी, तो ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि भाई देखो तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो. तो वो चीज़ों का तो एहसास इन्हें करंट में हो रहा है और ये आपसे यही कहना चाहते हैं. आई वॉन्ट टू होल्ड यू, ये आपको होल्ड करना चाहते हैं, यानी कि आपसे दूर नहीं जाना चाहते, ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं. तो ये जो मैसेज हैं ये करंट के हैं इनके. आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू, तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये ना थक गए हैं रो रो कर, आपको याद कर करके और आपकी कमी को फील कर करके. आई वॉन्ट टू रिगेन योर ट्रस्ट, तो ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि ये अब चाहते हैं आपका भरोसा जीतना जो इन्होंने कहीं ना कहीं तोड़ दिया था. वो ही बात हो गई कि अपना डार्क साइड इन्हें दिख रहा है, वो गंदगी इन्हें दिख रही है जो इन्होंने इस रिश्ते में फैलाई है. और ये चीज़ें ये आपसे कहना चाहते हैं, आपके सच्चे प्यार को ये डेफिनेटली फील कर चुके हैं. ठीक है, तो ये थी रीडिंग आपके पर्सन की कि क्या ये आपके सच्चे प्यार को समझेंगे या नहीं. आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो आप अपने आप को इस रीडिंग से. अगर आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं अपने आप को, तो बताइएगा ज़रूर. और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूँ और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे. आज के लिए बस इतना ही. ओके, बाय बाय.